अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम टू द मलिक्स किचन। सर्दियों का मौसम और उसमें बारिश लगी हुई हो तो इंसान का दिल करता है कुछ गर्म चीज़ खाने का। तो आज आपको गर्मा गर्म हम आपकी सूप बनाना सिखा रहे हैं, चिकन वेजिटेबल सूप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। नाज़रीन, इस सूप के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं वो ये हैं: 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 कप एल्बो नूडल्स, 1 पीस चेस्ट चिकन का बोनलेस स्ट्रिप्स में काट लेना है, जिस तरह से ये मैंने लंबा लंबा काट दिया हुआ है। बंद गोभी स्क्वायर काट लेनी है, गाजर एक और एक प्याज मोटा मोटा इस तरह से काट लीजिएगा। साथ में इसके कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, केचप और 8 कप चिकन स्टॉक, जिसकी रेसिपी मैंने आपको पहले सिखाई हुई है। तो आइए तैयारी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये मैंने स्टोव के ऊपर रख दिया है सॉस पैन को। अब इस फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और लहसुन पेस्ट डाल देंगे। साथ में ही चिकन डाल देंगे फ्राई करने के लिए। लहसुन का तो आपको पता ही है ना, जैसे ही ऑयल में गया है फ्राई होने के लिए एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नाज़रीन, के बहुत ही मज़ेदार सूप बनता है, हेल्दी सूप बनता है, सर्दियों में पीने के लिए बहुत मुफीद है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी सिखाएं। ये देखिए नाज़रीन, ये चिकन ऑलमोस्ट डन है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी तरह से ये लहसुन में सॉटे हो गया है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब हम सॉस पैन जिसमें चिकन स्टॉक पड़ा हुआ है इसको हम डालेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। तमाम वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। ये काली मिर्च भी इसमें अब चली जाएगी। एल्बो नूडल्स, ये बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं इसमें डालता हूँ, वो बड़े शौक से फिर ये नूडल्स वाला सूप समझ के पी लेते हैं। इसको डाल दिया। अब हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका 2-2 टेबलस्पून डाल देंगे। इनको आप अपनी पसंद के और जायके के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, कम बेश ज्यादा करना हो आराम से आप कर सकते हैं। सिरका मैं अंदाजन खुद ही 2 टेबलस्पून डाल दिया और इसी तरह से ही ये चिली सॉस इसको तीखा करने के लिए।
इनको अब मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सोया सॉस में और इस चिकन स्टॉक में ऑलरेडी नमक शामिल है। अब इसमें हम आधा कप टमाटो केचप डाल देंगे। ये अब ऑलमोस्ट सारी चीजें मिक्सअप हो गई हैं। इनको अब हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। ये थोड़ी देर के बाद जब सब्जी सब्जी गल जाएगी तो आखिर में हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर इसको थिक करने के लिए और हमारा सूप तैयार हो जाएगा। आग हम तेज़ कर देते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। ये देखिए नाज़रीन, सूप ऑलमोस्ट तैयार है। वेजिटेबल्स सारी गल गई हैं, नूडल्स अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसके आखिर में कॉर्नफ्लोर हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डालेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए। दो मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पक जाए। ये मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है और इसको अब पकने के लिए रख दिया है। इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इसको जितना पकाएंगे ये सूप फिर खुद ही पतला होना शुरू हो जाएगा, इसकी जो थिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें कितना अच्छा कलरफुल और ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको एक सर्विंग बोल में एक इंडिविजुअल के लिए सर्व कर दिया है। इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है। ये आप पीजिए, अपने मेहमानों को पिलाइए और मुझे इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बहुत मज़े का बनता है और बच्चे इसको बहुत शौक से पीते हैं। शुक्रिया।